जय हिंद साथियों, 7:30 बज चुका है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हर शाम 7:30 बजे धार्मिक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज का लाइव क्लास एकदम शानदार, क्वालिटीदार, मजेदार होगा, क्योंकि आज 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो होगा 25 क्वेश्चन होगा, ये प्रीवियस ईयर यानी कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होगा। तो इस हिसाब से जो आपका टारगेट है वो कम से कम 20 है, यानी कि कम से कम आपको 20 का सही जवाब देना है। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हरिद्वार सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि हरिद्वार जो है वो किस नदी पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो हरिद्वार जो है वो गंगा नदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ लिया जाए कि कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स पोंगल फेस्टिवल, यानी कि कौन सा भारतीय राज्य जो है वो पोंगल त्यौहार मनाता है, आप लोगों को बताना है। तो तमिलनाडु जो है, कौन, तमिलनाडु जो है वो पोंगल त्यौहार मनाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ लिया जाए कि ओनम जो है वो किस राज्य का त्यौहार है, तो ओनम जो है वो केरला का त्यौहार है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा, यानी कि किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो वृद्ध गंगा जो कहा जाता है वो गोदावरी को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ लिया जाए कि नमक नदी किसे, यानी कि साल्ट रिवर किसे कहा जाता है, तो नमक नदी जो कहा जाता है वो लूनी को कहा जाता है। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ लिया जाए कि व्यस्त नदी यानी कि बीजी रिवर किसे कहा जाता है, तो बीजी रिवर जो कहा जाता है वो राई नदी को कहा जाता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो कानपुर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो कोयंबटूर को कहा जाता है। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे छह नंबर क्वेश्चन की ओर। छह नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच प्लेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल ऑन एवरेज इन इंडिया, यानी कि भारत में किस स्थान पर औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर, यानी कि मानसी राम जो बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दे कि सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज अ ब्लू प्लैनेट कॉल्ड, यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो नीला ग्रह जो कहा जाता है वो पृथ्वी को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दिया जाए कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो भोर का तारा जो कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ जाए कि रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन है, तो रात्रि में लाल दिखने वाला जो ग्रह है वो मंगल है। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द गार्डन सिटी कॉल्ड, यानी कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो बगीचों का शहर जो कहा जाता है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ लिया जाए कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो झीलों का शहर या नगर जो कहा जाता है वो उदयपुर को कहा जाता है। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ लिया जाए कि सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो सात टापुओं का नगर जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। और अगर आपसे सवाल यहां से पूछ लिया जाए कि महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो महलों की नगरी जो कहा जाता है वो कोलकाता को कहा जाता है। तो बढ़ेंगे नौ नंबर क्वेश्चन को। नौ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, बाबूजी इज द निकनेम ऑफ विच पर्सन, यानी कि
बाबूजी जो है वो किस व्यक्ति का उपनाम है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो बाबूजी जो है वो जगजीवन राम का एक उपनाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आप लोगों को बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो की गई थी वो 1935 में की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। अगर बात कर ले इसरो की, तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1949 ईस्वी में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच कंट्री इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप, यानी कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैंने एक बार क्वेश्चन को करवा भी चुका हूं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही भीवीआई है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है मेरे दोस्त, वो तुर्की को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दिया जाए कि फैशन की नगरी किसे कहा जाता है, तो फैशन की नगरी जो कहा जाता है वो फ्रांस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, यानी कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो विश्व का चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो कयूबा को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विथ विच स्पोर्ट इज द इंडियन सुपर लीग ऑर्गेनाइजेड इन इंडिया, यानी कि भारत में आयोजित इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है, आप लोगों को बताना है। तो इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल का जो संबंध है वो फुटबॉल से है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आईपीएल का संबंध किससे है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है, कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने भी एक बार ये क्वेश्चन का गलत आप लोगों को आंसर बता दिया था, तो आज का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि फुटबॉल होगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पन्नालाल घोष जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आप लोगों को बताना है। तो पन्नालाल घोष जो है मेरे दोस्त वो बांसुरी से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ दिया जाए कि पंडित शिव कुमार शर्मा है जो किस मतलब किस वाद्य यंत्र के वादक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर के वादक है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि जाकिर हुसैन जो है वो किस वाद्य यंत्र के वादक है, तो जाकिर हुसैन जो है वो तबला के वादक है। बात कर ले बिस्मिल्लाह खान की, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो सहनाई के वादक है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ब्राजील, यानी कि ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोगों को बताना है। तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल जो होगा वो फुटबॉल होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो बैडमिंटन है। और बात कर ले चाइना का, तो चाइना का जो है वो टेबल टेनिस है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो भरेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विथ विच डिवाइस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीसल मेजर, यानी कि किस यंत्र से वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो नापा जाता है वो ओडोमीटर से नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शरीर का तापमान किससे नापा जाता है, तो शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो थर्मामीटर से नापा जाता है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हुज ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, आप लोगों को बताना है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का यानी कि डिस्टेंस का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का स्रोत आप लोगों को बताना है। तो विटामिन डी का जो स्रोत होगा वो होगा सूर्य का प्रकाश, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज लाइमस्टोन मेड ऑफ, यानी कि चूने का पत्थर किससे बना होता है, आप लोगों को बताना है। तो चूने का पत्थर जो बना होता है वो कैल्शियम का बना होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, NaCl इज द केमिकल
केमिकल फॉर्मूला ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि NaCl जो है वो निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है आप लोगों को बताना है। तो NaCl जो है वो नमक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि बेकिंग सोडा का यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो मतलब कि इसका जो रासायनिक नाम है इसका है NaHCO3। क्या है? NaHCO3 है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बनेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हैवीस्ट मेटल्स, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से पूछा गया है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु जो है वो एल्युमिनियम है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्तों, प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे बार बार वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलता मेरे भाई, मैं एक बार बोलता हूं और मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मेरे भाई आप पर भरोसा है, आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर करना। तो देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द फ्लैश बल्ब कॉइल मेड ऑफ, यानी कि फ्लैश बल्ब का तार जो होता है वो किसका बना होता है, यानी कि व्हाट इज द फ्लैश बल्ब कॉइल मेड ऑफ, आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो फ्लैश बल्ब का जो तार होता है वो मैग्नीशियम का बना होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि विद्युत बल्ब में जो होता है वो मतलब कि विद्युत बल्ब का जो होता है अंदर वाला पार्ट वो क्या का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ दिया जाए कि हीटर का तार किसका बना होता है, तो हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच विटामिन आर फाउंड इन ऑरेंजेस, यानी कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है आप लोगों को बताना है। तो संतरे में जो विटामिन पाई जाती है वो विटामिन सी पाई जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो गाजर में जो पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट, यानी कि फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है आप लोगों को बताना है। तो फलों का अध्ययन जो किया जाता है वो पोमोलॉजी में किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दिया जाए कि भूमि का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन जो किया जाता है वो पेडोलॉजी में किया जाता है। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ दिया जाए कि बागवानी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो बागवानी का अध्ययन जो किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन, यानी कि फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो किसने किया था, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था वो वाटरमैन ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो साइकिल का आविष्कार जो किया था वो मैकमिलन ने किया था। बात कर ले परमाणु बम की, तो परमाणु बम का आविष्कार जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। और बात कर लेते हैं हवाई जहाज की, तो हवाई जहाज का आविष्कार जो किया था वो राइट बंधु ने किया था। तो उम्मीद करता हूं आज का आपका सेशन अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।